हेलो नमस्कार दोस्तों मैं मुन सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में जो आज की वीडियो है वो सेकंड वीडियो होने वाला है करियर ऑप्शंस आफ्टर ट्वेल्थ वाली सीरीज का सो so, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डिप्लोमेसी ऑफ फार्मेसी और उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ एंड उसके फ्यूचर स्टेक स्कोप एंड एडमिशन प्रोसीजर एंड बहुत सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ तो आपसे कोई भी मेरी वीडियो मिस ना हो कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो इसलिए चाहे बी फार्मा को फेक के मारो चाहे डी फार्मा को फेंक के मारो बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना ठीक है तो चलिए करते हैं कार्यक्रम शुरू सो डी फार्मा बेसिकली डिप्लोमा है इन फार्मेसी जिसका टाइम ड्यूरेशन है टू ईयर्स एंड ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है फार्मेसी फील्ड में जाने के लिए अगर हम मैं बात करूं कि कौन कौन एलिजिबल है इसको परस्यू करने के लिए तो यार कोई भी शख्स जिसने टेन प्लस टू किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड से कम्प्लीट की हो एंड वो किसी भी स्ट्रीम को लेकर मिनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क्स कैरी करता हो तो वो इस कोर्स को परस्यू कर सकता है अगर वहीं आप एस सी एस टी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको केवल फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स की जरूरत है इस कोर्स को परस्यू करने के लिए इस कोर्स को लेने के लिए एंड अगर मैं बता दूंगी यार बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो ज्यादा इस कोर्स को परस्यू करते हैं एज कम्पेयर टू मैथ्स स्टूडेंट अब यार मैं बात करूं एडमिशन क्राइटेरिया की तो एडमिशन यहाँ पे हमारा दोनों तरीके से होता है पहला हमारा टेन प्लस टू के मार्क्स के बेसिस पे होता है दूसरा हमारा एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे होता है तो टेन प्लस टू के मार्क्स के बेसिस पे हमारा डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है वहीं पर हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कॉलेज के हिसाब से कॉलेज करवाते हैं और उसके हिसाब से हमारा एडमिशन होता है तो वो कॉलेज के हिसाब से डिफर करता रहता है एंड इसमें बता दूंगा कि जो कॉलेज के जो कुछ एग्जाम्स हैं जो कॉलेज करवाते हैं जस्ट लाइक है सी मेट like है जी पैट है यू पी एस डब्ल है एक्सेट्रा ये बहुत से एग्जाम होते हैं जो डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन होते हैं जो कॉलेज कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हमें देने होते हैं। यार एग्जाम की बात हो अब मैं कुछ फेमस so, है, वो है हमारा डी यूनिवर्सिटी देहरादून उसके बाद हमारा मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस मनीपाल एंड उसके बाद हमारा है जामिया हमदादी यूनिवर्सिटी दिल्ली और उसके बाद, बाद बहुत सारे और कॉलेज है त्रा. ये कॉलेज हैं जो फेमस कॉलेज हैं जो इस कोर्स को ऑफर करते हैं इन द बेस्ट पॉसिबल वे एंड इसके बाद यार मैं बात करूँ कि जॉब ऑप्शन यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ कहाँ मिल सकती है तो वो हमें उन एरिया में मिल सकती है लाइक गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हम काम कर सकते हैं उसके साथ साथ हमें अपॉर्चुनिटी है हमारे पास वो होता है कि जिससे हम अपना खुद का एक प्राइवेट मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं एंड उसके अलावा हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज में क्वालिटी कंट्रोलर क्वालिटी मैनेजमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग जैसे हिस्सों में भी काम कर सकते हैं अब यार बात करते हैं आपके सबसे फेवरेट सेक्शन मनी राम सेक्शन के बारे में बात करते हैं सो so यार एज अ फ्रेशर के तौर पर आप दो से तीन लाख रुपए पर एन कमा सकते हो यानी कि चौदह से पंद्रह हजार रुपये महीने आप कमा सकते हो एज अ फ्रेशर के तौर पर और ये सैलरी है वो आपकी डिपेंड करती है आपके स्किल सेट आपके एक्सपीरियंस आपके एक्सपर्टीज इन द पर्टिकुलर फील्ड उसके हिसाब से वो ग्रो करेगी एंड वहीं यार मैं बता दूं कि ये सब चीज़ें ना बहुत मतलब सैलरी आपकी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जैसे कि आपका नॉलेज कैसा है आपका उस फील्ड में एक्सपीरियंस कैसा है एंड आपका स्किल सेट कैसा है इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है एंड बहुत से अदर फैक्टर्स भी हैं जो इस चीज़ को इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं इस चीज़ इस चीज़ है जो सैलरी उस चीज़ पर डिपेंड करती है उन सारे फैक्टर्स पर अगर आपको वो फैक्टर्स जानने हैं तो मेरा पहला वाला वीडियो देख सकते हो उसमें मैंने बहुत सारे फैक्टर्स बताए हैं जो पर्टिकुलरली हमारी सैलरी को ग्रो करने में और उन सब चीज़ पे डिपेंड करते हैं सैलरी किस तरीके से आएगी और मेनली होता है कि हमारा हम किस कंपनी में किस फॉर्म में काम कर रहे हैं ये चीज़ भी डिपेंड करती है कि हमारी सैलरी कैसी होगी इसके बाद एक बहुत ही ज़रूरी कोर्स जो अगर आप डी फार्मा कर रहे हो तो उसको करना उसके बारे में जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है तो वो कोर्स कौन सा है तो वो कोर्स है हमारा फार्म डी यानी कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी ये एक प्रोफेशनल डिग्री है इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी जिसका टाइम ड्यूरेशन है सिक्स ईयर्स जहाँ पर हम पाँच साल पढ़ाई करते हैं और एक साल हमारा इंटर्नशिप का होता है लेकिन जो बच्चे डी मा करते हैं उनके लिए इसमें लेटरल एंट्री होती है एंड उनका टाइम ड्यूरेशन है वो भी हमारा हाफ हो जाता है यानी कि तीन साल हो जाता है सो so यार इस कोर्स को परस्यू करने के लिए किसी भी गवर्नमेंट किसी भी अच्छे कॉलेज से परस्यू करने के लिए आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे वो है हमारा एन टेस्ट है एंड हमारा इंटीगर यूनिवर्सिटी टेस्ट एक्सेट्रा तो ये हमारे कुछ टेस्ट हैं जो आपको कुछ अच्छे कॉलेज प्रोवाइड करेंगे इस कोर्स को परस्यू करने के लिए इसके बाद जो कॉलेजे हैं हमारे जो इस कोर्स को ऑफर करते हैं द बेस्ट पॉसिबल वे वो हमारे पारोली यूनिवर्सिटी है एंड पुणे का कॉलेज

एंड मैं यार यही कहना चाहूंगा कि अपने पोटेंशियल को पहचानो अपने अंदर के पैसन को पहचानो फिर अगर आपने अपने अंदर के पैसन को पहचान लिया अपने पोटेंशियल को जान लिया तो आप वो चीज़ अचीव कर सकते हो जो आपने अभी सोची भी नहीं होगी और दूसरे चीज को कभी सोच भी नहीं सकते हैं तो यार उस चीज को पहचानो अपने पैसन को पहचानो सो तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहे यार बी फार्मा के साथ खेलो चाहे डी फार्मा के साथ खेलो बस चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए और वीडियो को लाइक कर देना यार क्योंकि पैसे नहीं जाते यार इस चीज के चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड मिलते हैं तुम्हारे वीडियो के साथ तब तक के लिए शुक्रिया